प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक और बार मौका दिया ताकि मैं आप सबके सामने आ पाऊँ। और हम लोग आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास है आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज के विषय जो संगीत के बारे में है, संगीत यानी म्यूजिक, ये बहुत बड़ा एक स्वर्गीय एक वरदान है, क्योंकि संगीत पृथ्वी से शुरू नहीं हुआ बल्कि ये स्वर्ग से ही पहले से ही है। यानी स्वर्गदूत जितने भी स्वर्गदूते हैं वो सब प्रभु परमेश्वर को पवित्र पवित्र कहकर उसकी स्तुति और आराधना स्वर्ग में पहले से ही चलता आ रहा है। यानी इस संसार की सृष्टि होने से पहले से ही स्वर्ग में परमेश्वर के नाम की महिमा आप जानते हैं। स्वर्गदूत जो है उसकी म्यूजिक बजाकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करते हैं। खाली मैं दो वचन मैं आपके सामने रखकर उसके साथ में अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा ताकि आप सबको जो लोग गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं सबके उत्साहित के लिए मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। इफिसियों 5वां अध्याय उसका 19वां वचन, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यानी परमेश्वर का वचन हमें एंकरेज करता है कि हमें हमेशा उसकी भजन गाना है और आपस में मिलना है और कीर्तन उसकी स्तुति और आराधना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से बहुत ही प्रसन्न रहता है। म्यूजिक एक बहुत बड़ा एक जो उसकी आराधना करने के लिए हमें एक हथियार मिला है जो उसकी आराधना करे। और जब भी हम स्तुति और आराधना करते हैं तो शैतान गिड़गिड़ा कर भागता है, क्योंकि शैतान गिराया हुआ जो स्वर्गदूत वह चित्र से जानते हैं कि आराधना में कितना ताकत है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कुलुसियों तीसरा अध्याय उसका 16वां वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह का वचन हमारे साथ हमेशा रहना है। म्यूजिक तो है लेकिन वचन को कभी नहीं भूलना है। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। ये परमेश्वर का वचन जो आज हमें मिला है, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन को हमारे मन के अंदर रखना है और परमेश्वर के भय के साथ हमें स्तुति और आराधना करना है और उसके नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। तो जो मैंने आपको बताया, म्यूजिक बहुत से लोगों को पसंद है। सारे मानव जाति को म्यूजिक पसंद है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई म्यूजिक को घृणा करता हो। सबको म्यूजिक पसंद है। और बाइबल में पहले से ही स्वर्ग से तो है ही, सृष्टि के बाद जो भी मनुष्य लोग बड़े उनके बीच में म्यूजिक का एक बहुत बड़ा कार्य रहा है। और म्यूजिक सारे जगहों में, उसके सभाओं में, फ्यूनरल सर्विस में, मैरिज में और उसके आराधनालय में, है ना, बहुत से जगह जो है म्यूजिक बजता आ रहा है। और विक्ट्री में, यानी जब विजेता प्राप्त करते थे एक दूसरे के देश के खिलाफ, जब विजेता प्राप्त करते थे तो उस वक्त भी म्यूजिक बजता था। यानी म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल है सभी लोगों के बीच में। और आज के इस मॉडर्न चर्च हिस्ट्री में, यानी जो एंड ऑफ टाइम जो अभी हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर भी म्यूजिक का बहुत बड़ा एक रोल है। हम सबको म्यूजिक बजाना चाहिए। म्यूजिक के साथ आप देखते हैं पूरी दुनिया म्यूजिक में डूबा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के लिए स्तुति और आराधना कर रहे हैं। और मेरे जीवन में अगर हम देखें तो मुझे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक गांव से हूँ, मुझे म्यूजिक सीखने का मौका नहीं मिला। मैं हॉस्टल में पढ़ा, हॉस्टल में हम लोग म्यूजिक बजाने वालों को देख सकते थे और उसके आनंद ले सकते थे, लेकिन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का मुझे मौका नहीं मिला। मुझे मेरा बहुत शौक था। हमारे परिवार से कोई बड़े बड़े विद्वान, म्यूजिक के बहुत बड़े विद्वान ऐसे नहीं रहे हैं और जो कि हमें उत्साहित करें। मैं भी आप ही के जैसा, जो लोगों को आप सोचते हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मैं गांव में हूँ, मैं भी गांव से ही हूँ जहाँ पर अभी भी टाइमिंग में बस चलता है, एक या दो बस जो है, एक या दो बार बस आते हैं। वैसे गांव से मैं हूँ और मुझे म्यूजिक गिटार बजाने का बहुत शौक था और वहाँ पर कोई साधन नहीं, क्योंकि जो टाउन है 6 किलोमीटर टाउन था, वहाँ पर भी एक ही एक बैंड रहता था। मैं वहाँ पर गया
म्यूजिक सीखने के लिए मैंने उनसे पूछा, मुझे 1 घंटे बिठाकर मेरा अपमान किया, वो अलग स्टोरी है। और वहाँ से मुझे म्यूजिक फिर मैं ढूंढा कहाँ पर, तो मेरे गांव से लगभग 80 किलोमीटर अप एंड डाउन वहां पर मैं सीखने के लिए गया। और रोज मैं म्यूजिक सीखने के लिए 80 किलोमीटर ट्रैवल करता था। म्यूजिक मैं किस लिए सीखना चाहता था? प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के लिए, यही बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के लिए मैंने म्यूजिक सीखा, मैंने प्री प्लान किया। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे घर से कोई लेन देन नहीं है, मतलब हमारे परिवार से कोई म्यूजिकल लेन देन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मेरे मन में बहुत उत्साहित था कि मैं प्रभु के लिए मैं म्यूजिक बजाऊंगा। और मैं अपने मन में, जब हम लोग जब मैं बाइबल कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं इंडियन चर्च हिस्ट्री में, फ्रांसिस सेवियर जो इस मिशनरी बनकर हमारे इंडिया में आया, वो क्या करते थे? बेल लेकर, आप जानते हैं पुराने जमाने में आइसक्रीम जो भेजते तो बेल बजाते थे, है ना, वो बेल लेकर हर गांव में गलियों में जाकर बेल बजाते थे, बोलते थे कि फेथफुल क्रिश्चियन सेंड योर चिल्ड्रन। तो वहां पर बेल बजाकर बच्चों को गैदर करते थे और उनको बाइबल के वचन को लेकर रैम्स के साथ उनको सिखाया करते थे। तो मेरा भी एक इच्छुक था कि मैं गिटार लेकर गली गलियों में जाऊंगा, गांव गांव में जाऊंगा और म्यूजिक बजाकर बच्चों को, मैंने अपनी जो मिनिस्ट्री चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री शुरू की, और उसी उत्साह के साथ, उसी चाहत के साथ और उसी जलन के साथ मुझे सीखना है सेवकाई के लिए, किसी को दिखाने के लिए, कुछ स्टाइल मारने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, सेवकाई के लिए, उसके स्तुति और आराधना करने के लिए, सभाओं में उसकी स्तुति और आराधना करना है। तो इसलिए मैं म्यूजिक सीखने के लिए 80 किलोमीटर में ट्रैवल करता था मेरे गांव से, रोज ट्रैवल करता था। बहुत से लोग हैं म्यूजिक क्लास बगल में ही होंगे लेकिन सीखने के लिए नहीं जाते, चर्च में म्यूजिक बज रहा है लेकिन सीखने के लिए नहीं जाते, बोलते नहीं उनके पास टाइम नहीं है। आप सोच के देखिए, जब मैं 80 किलोमीटर दूर जाकर मैं सीख सकता हूँ, और आप मेरे सॉन्ग्स को देखेंगे, मैंने खुद कंपोज किए हैं, और कुछ सॉन्ग मैंने पुराने जो अभी आएंगे, पुराने सॉन्ग है कैसा नौका प्यार, और वो पुराने सॉन्ग है, और अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो वो सॉन्ग बहुत ही पुराने सॉन्ग्स है, और बाकी जो मेरे नए सॉन्ग्स जो परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद किया, मैंने बहुत से संघर्ष उठाए म्यूजिक सीखने के लिए। और मेरे घर में इतना मुसीबत था कि गिटार खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था मेरे, तो मेरे पापा जब हम लोग जब मैं बाइबल कॉलेज पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए थे कपड़े के लिए, और कपड़े खरीदने के लिए उस वक्त, तो मैं उसको कपड़ा नहीं खरीदा, मैंने एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खरीदा, यानी गिटार खरीदा, और मैं क्लास के लिए गया। और क्लास सीखते वक्त मेरे घर में इतना मुसीबत था कि खाने का वक्त का बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि सीजन टिकट लेकर मुझे जाना पड़ता था, मैं रोज ट्रेन में जाता था और ट्रेन में वापस आता था, और खाने के लिए भी बहुत बार खाना नहीं होता था, तो लंच का टाइम होता था तो मेरे सर कहते थे जाके मार्टिन खा के आ जाओ होटल से, मैं होटल की ओर जाकर, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर होता था, मैं होटल में जाकर, होटल के आसपास जाकर उसको खुशबू लेता था खाने का, और पानी पीकर मैं आकर बैठकर म्यूजिक बजाता था। ये सब क्यों? प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए मुझे सीखना था, उसकी सेवकाई के लिए मुझे सीखना था। और फिर उसके बाद धीरे 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 से मैं गांव गांव गया, मैंने म्यूजिक सीखा, गांव गांव में प्रभु यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार को सुनाने के लिए गया, और उसकी स्तुति और आराधना के लिए कुछ मैंने जो कंपोज किए अपने आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने कुछ सॉन्ग्स लिखे, जरूर आप लोग सुनना। और मैं जो भी कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, मैं गांव से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास इच्छा है प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए, सेवकाई के लिए, अगर आप बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है, वो आपको मन को जांचेगा, और उसी के हिसाब से आपकी म्यूजिक सीखने में, आप सीखेंगे लेकिन सीख नहीं पाएंगे। और वाकई में अगर आप सेवकाई के लिए, उसके नाम की स्तुति और आराधना के लिए आप सीखना चाहेंगे, तो जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। आमीन।